ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शादी के बाद तुम पहली बार मेरे घर आई हो, लेकिन अब आते रहना, भूल ही जाना। तुमने बुलाया ही अबे, लेकिन अब अगली बार हम तब आएंगे जब बच्चों भाई हमें इनवाइट करेंगे। क्यों बाबा? इनवाइट बाबा, इनवाइट करेंगे। बोले बच्चों भाई, आप हमें इनवाइट करेंगे ना? हाँ बाबा, क्यों नहीं, आपको पूरा इनवाइट करेंगे। अगली बार आप जब आओगे ना, जो रंग बोलोगे बाबा वो रंग करेंगे। बच्चों इनवाइट, छोड़ो ये सब बातें, तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, ये बताओ कहाँ से लिया? ये इन्होंने मुझे दुबई से दिलवाया था, मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। शुक्रिया, ये जो ड्रेस मैंने पहना है ये आपकी दोस्त ने मुझे दिलवाया था। शुक्र है आज इन्होंने ड्रेस पहन तो लिया, वरना इनका बस चले तो ये तो नाइट गाउन में ही चले जाएं। बाबा कौन सा गाउन है? कौन सा? अरे बाबा अभी तो आपने कहा कि ये अपने नाई गांव चले जाएंगे। नहीं नहीं गाउन, छोड़ो तुम चाय पियो ना, चाय पियो, ये लो लो पियो, आप भी ले। अरे बेगम, अरे बाबा आप खुद बताएं कि इसमें मेरी क्या गलती है? बाबा आपने ही बोला था ना कि मैं खामोश बैठूं। बाबा अब मेहमान आपसे आगे से बात करे तो क्या खामोश रहना अच्छा लगता है? और वैसे भी आपकी दोस्त को ना अंग्रेजी नहीं आती है, बार बार इंक वाइट कर रही थी। बाबा आप खुद बताएं, इंक सफेद होती है क्या? बाबा इंक तो काली पीली नीली हरी लाल होती है, इतना तो मुझे भी मालूम है। बस बच्चों बस, या तो आप अंग्रेजी बोलना सीख लें या फिर या तो आपसे दूर रहना सीख लूं, है ना? बच्चों बच्चों माय कॉबॉय, अच्छा बैठो बैठो, को उदास तो नहीं हो ना? अरे नहीं बाबा, मैं तो सुकून से था कि तुम्हारे बाद जो है वो मैं अपने गांव से और बाड़े की भैंसों से सुकून से मिल सकूंगा। क्या बच्चों तुम ऐसा सोच रहे थे? अरे नहीं बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक तुम अभी कर रहे हो, लेकिन बच्चों दूसरों के सामने मजाक क्यों बन जाते हो? अरे बाबा मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि किसी को कोई जबान ना आना किसी के लिए मजाक कैसे बन सकता है। और मैं देख रहा था, इतना बुरा उनको नहीं लग रहा था जितना आपको लग रहा था। बच्चों बीवी तो मैं हूँ ना तुम्हारी, तो 100% मुझे ही बुरा लगेगा। देखो बाबा इस्लाम में 4 की इजाजत है, इस हिसाब से 25% बनते हैं, सोच लो। बच्चों बच्चों क्या कह रहे हो तुम? तो किसी बोला नहीं आती, ऊपर से 4 शादियां। सर क्या कह रहे हैं आप, है मलाई नहीं उतर रही? अरे सर क्या बात कर दी आपने, हमारे दूध के डब्बे में से दूध निकले ना निकले मलाई जरूर निकलती है। अच्छा चले सर आप कह रहे हैं तो मैं गाय भैंसों को ये ऑर्डर दे देता हूँ कि कल से जो है ना वो दूध जो है मलाई वाला दे। ठीक हो गया, अब सर बात वो माने ना माने ये तो अब उनकी मर्जी। ठीक ओके ओके सर, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। जानी जी जी, जानी तुम यहाँ बैठे हुए हो, वो ना एक मेहमान आ रही है घर पे। बस मैं समझ गया, मतलब तो उनका ख्याल रखना है और उनकी देखभाल करनी है और लाइन मारनी है। हैं? लाइन मारनी तो मेरे मुंह से निकल गया, बाकी जो दो काम बताए ना वो उसकी फिक्र ना करें। जानी उनका बहुत ख्याल रखना है, उनका रोज का आना जाना होगा, कुछ दिन तक वो रोज आएंगी। रोज आएंगी, मेहमान तो ना ही, मुसीबत आ रही है इसका मतलब। जानी मेरे कहा ना तमीज से पेश आना उनके साथ, वो इंग्लिश की ट्यूटर है। इंग्लिश की? आपको तो अच्छी खासी इंग्लिश आती है, आपको क्या जरूरत? अरे बच्चों को सिखानी है। इससे तो बेहतर है गिलास पानी का भर के सूरज की तरफ उछाल दें। उससे क्या होगा? इससे क्या हो जाएगा, अजीब बात है। बकवास बंद करो अपनी, वो बहुत पॉन्चवी ट्यूटर है, बस उनका ख्याल रखना, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे। ट्यूटर है कि जादूगरनी पॉन्चवी? जानी
थोड़ा हिल लोगी तो कोई कमजोर नहीं हो जाओगी? जानी भला तुम्हें हर वक्त मेरे वजन कम करने की फिक्र क्यों लगी रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल ही दिल में तुम मुझे पसंद करने लगे हो? दिल ही दिल में जो बुराई रखते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करता। जानी तुम मेरी बेइज्जती करना छोड़ दो, अगर बेइज्जती करना छोड़ोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इसीलिए तो नहीं छोड़ता। क्या मतलब? आपको जज्बात सिखाने का ना ट्यूटर रखना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बाबा, अब मेरे को क्या जरूरत है स्कूटर की? स्कूटर नहीं, ट्यूटर, उस्ताद, उस्ताद। नहीं बाबा, मेरी आवाज वैसे इतनी खूबसूरत है, मेरे को किसी उस्ताद से कुछ नहीं सीखना। हाँ सही कह रही हो, वैसे वाकई तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, किसी मैकेनिक उस्ताद को होना चाहिए। अच्छा भला ये मिक्की उस्ताद क्या सिखाता है? मिक्की नहीं, मैकेनिक उस्ताद। क्या करता है? फटे हुए सिलेंडर ठीक करता है। जाने, चलो हटो। गंदा बिरसा मुंह, कारो मुंह थे, सेल्फी खराब करे चली। जी तो रेजी साहिबा, लिसन, कॉल मी मैम रेजी, अंग्रेजी की मैम रेजी। जी 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 मैम रेजी, आपकी फीस कितनी होगी? बहुत सारी। कितनी बहुत सारी? मुझे लगता है आप लोगों का एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मेरी फीस इतनी होनी चाहिए कि वो देने के बाद आप लोगों के पास सिर्फ खर्चा पानी के पैसे बचे और कुछ भी नहीं। अच्छा लेकिन मेरे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? मुझे उनसे तो मिलवाएं। जी जी बच्चों, बच्चों। अरे हाँ बाबा, क्या हो गया है? ये कौन है? ये हैं आपके स्टूडेंट। आपको पता है अब मैं आपसे बहुत कम फीस लूंगी। वो क्यों? अरे आप इतनी अजीम खातून है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। बताइए अपने घर के नौकरों को आप अंग्रेजी सिखाने के लिए मुझे बुला रही हैं? अच्छा छोड़, ये बताओ कि तुम ये घर के काम काज के अलावा और क्या कर लेते हो? अरे बाबा ये क्या बकवास कर रही है? एक्सक्यूज मी बच्चू, बच्चू मैंने बताया था ना, ये है मिस रेजी, अंग्रेजी की मैम रेजी। पूरा नाम बताओ। जी जी अंग्रेजी की मैम रेजी। लेकिन बाबा ये तो हमारी बेइज्जती कर रही है। बच्चू प्लीज, माय गॉड बॉय। अच्छा बाबा, अच्छा तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन इनको भी बता दो बाबा ये जो भी है वो मैम रजाई। मैम रेजी, मैम रेजी। हाँ बाबा आपने जो कहा होगा ठीक ही कहा होगा, अंग्रेजी में कहा है बाबा, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो बाबा, मैं इस घर का नौकर नहीं हूँ, मालिक हूँ, आधा मालिक बाबा, इनका शौहर। क्या? अब तो वाकई में आपको सलूट है सीमा जी, आपने अपने घर के नौकर से शादी कर ली। अरे नहीं नहीं मैम रेजी, इनके तो बहुत सारे बाड़े हैं, इनको ना शहर से ज्यादा गाँव की जिंदगी पसंद है, बस इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं समझ गई। मोतिया सामीना। क्या मतलब? कुछ नहीं छोड़ें। सो मिस्टर बच्चू। बच्चू क्या कर रहे हो? अरे बाबा ये अंग्रेजी में कहा है उन्होंने, इतना तो मुझे भी समझ आता है, उन्होंने कहा सो मिनिस्टर बच्चू, मैं सो गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इन्होंने मुझे मिनिस्टर क्यों कहा। अरे मैंने कब कहा है आपको मिनिस्टर? बाबा आपने कहा ना सो मिनिस्टर बच्चू। मिनिस्टर नहीं मिस्टर कहा था। कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी आपके ऊपर। What an amazing project I've got. ये सारी बातें छोड़े, आप चाय पीजिए ना। हाँ बाबा चाय पिए चाय पिए, हमारे अपने बाड़ों के दूध की चाय है। प्लीज मैं चाय पी लूं, फिर आज से ही थोड़ा बहुत आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ मैडम, वो सुना था ना आपने, इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। हाँ सुना था, इसमें ऐसा क्या है जानी? इंटरेस्टिंग का मतलब पता है आपको? तुम्हें क्या लग रहा है मैं अनपढ़ हूँ? पता है मुझे, दिलचस्प होता है इसका मतलब। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो जानी इसमें ऐसा क्या है, अगर उसने इसको दिलचस्प कह दिया तो? दिलचस्प, चस्प से पहले दिल आता है, इसीलिए दिलचस्प होता है। देखो जानी कोई भी फजूल बकवास करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे दिमाग में कोई शक पैदा करना। हर वक्त फजूल बोलते रहते हो, हटो यहां से। सूर का धक्का, एक तो मैं इनको समझा रहा हूं बता रहा हूं, ऊपर से मुझे डांट रही, चलो मुझे क्या। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, खट्टा मीठा।
अच्छा तो ये बताओ कि व्हाट इज योर नेम? अरे बाबा मुझे शर्म आती है अंग्रेजी बोलते हुए। बताओ ना, अभी तो सिखाया था बच्चों। बाबा बोलता हूँ बोलता हूँ बाबा। आई नेम इज बच्चू। बाबा मेरा मतलब है आई नेम इज अल्लाह बचाया। अरे आई नहीं, माय नेम इज बच्चू, मेरा मतलब है अल्लाह बचाया। बड़ा दोस्ताना लग रहा भाई। ठीक है चलो लिखना शुरू करो आगे। कितनी प्यारी स्कूटर है। अब स्कूटर कहाँ है? अरे चरी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चरी? व्हाट चरी? जरीना, ये मेरी अंग्रेजी की टीचर है बाबा। क्या सिखाया था वो बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे बाबा ये वो ये मेरी ट्यूटर है बाबा। अरे बाबा मैं भी तो यही कह रही हूँ कि स्कूटर है। अब मैं तो उसकी तारीफ भी कर रही हूँ, बहुत प्यारी है। अरे अदी जरीना, स्कूटर नहीं बाबा, ट्यूटर होता है। होता नहीं है, होती है बाबा, ये छोकरी है। इससे अंग्रेजी सीखने के चक्कर में ना तुम उर्दू से भी फारिग हो गए हो। अरे बाबा मैं जरीना हूँ और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं इसकी अदी और ये मेरा दादा, और हम लोग ना इस घर के मालिक है, मालिक। जरीना एक काम कर, तू अंदर जा बाबा। नहीं बाबा मेरे को भी अंग्रेजी सीखनी है। जरीना ये बच्चों का काम नहीं है बाबा, बड़ा मुश्किल है। बाबा मैं बच्चे का हूँ, देख नहीं रहे हो मेरी शादी की उम्र निकल जा रही है, लेकिन रामू के घर में किसी को मेरे फिक्र हो। जरीना अरे बाबा अंदर जाओ। जा रही हूँ। तुम्हें इस फरंगी ठोकर की खातिर मेरे से ऐसे बात कर रहे हो, अब तुम देखना कि मैं इसके साथ करती क्या हूँ। था वो मिस ट्यूटर, बाहर चले, बहुत गर्मी हो रही है बाबा, इधर बाहर गार्डन में बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, चलो चले बाबा चले, पहले आप। लखने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, कुछ कुछ मीठा जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा। टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, लगा के रखा है रट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जानी जी मैडम जी जानी, मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ, ऑफिस ले जाओ, जल्दी से साइन करा के ले आओ। चलो जी, एक मैं ही था जिसने थोड़ी बहुत नजर रखी हुई थी, अब हो गया काम। कैसी नजर, कैसा काम? छोड़े मैडम, आपको तो फजूल की बात लगती है, मुझसे ज्यादा कोई नमक हलाल कैसे लग सकता है आपको, दफा करें मैं चलता हूँ। रुको, बताओ तो सही क्या कहना चाहते हो? मैडम उस दिन भी मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो मैडम राजीनामा है ना, ये इसकी बातें कुछ मशकूक लग रही हैं, लेकिन आपने मुझे ऐसे ही डांट दिया। जानी मैंने तुम्हें कहा था ना, बिना वजह किसी पे शक करना बहुत गलत बात है, और बच्चे भी बिल्कुल ऐसे नहीं है, और वो मैम रेजी भी अपना काम कर रही है बस। काम दिखा दिया उसने, मुझे तो लगता है लगभग बच्चू भाई सेट हो गए। जानी तुमने फिर से बकवास शुरू कर दी। अगर एक लड़की किसी को यू आर माई लवली हंस हंस के तालियां बजा के ये सब बातें कर रही हो, खैर अब बचा ही क्या है पीछे, मुझे क्या, दफा कर। रुको जी। नहीं तुम जाओ, अब बस जल्दी से साइन करा के ले आओ। मर्जी आपकी। अच्छा बच्चू, अब जो जो तुम लिखते जा रहे हो साथ साथ पढ़ते भी जाओ, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस। बच्चू प्रैक्टिस, 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 शाबाश। यू सच अ डार्लिंग बच्चू। बाबा डार्लिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब कि तुम मुझे बहुत अजीज है। अच्छा अच्छा, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है बाबा।
चलो शाबाश लिखो, पढ़ते भी रहो साथ साथ। हाँ बाबा, ये व ओ ओ हाँ एस आई टी ई एन, बाबा ये क्या लिख, 16 16 आगे लिखो। अरे बाबा ये देख रहे हो बाबा, ये गाड़ी बनी है, अगर इस गाड़ी की जगह मेरी गांव होती ना, मैं आराम से गिन लेता कितने। चुप, पढ़ाई में ध्यान दो। जानी जानी आ गया आ गया आ गया आ गया। मैडम खैरियत तो है, क्या हो गया? जानी तुम ना बिल्कुल सही कह रहे थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। पता है वो बच्चों को डार्लिंग कह के बुला रही थी, और ये भी कह रही थी कि आप मुझे बहुत अजीज हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ए, निकाल बाहर करें, और बच्चू भाई को तो 12 नंबर के पाने से कस दें। जानी हमें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? गलतफहमी किसी एक को होती है और एक बार होती है, बार बार कैसे गलतफहमी होगी? सही कह रहे हो, तुमने एक काम करो, तुम जाके ना उन दोनों पे नजर रखो। अरे मेरी तो पहली उस लड़की पे नजरें हैं। जानी लड़की पे नहीं, दोनों पे जा। अच्छा ठीक, निकल, टेंशन ना ले आप। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, मुझे लग रहा है कि आज का दिन जो है ना मेरी जिंदगी का बड़ा हसीन दिन आने वाला है। लेकिन अभी सीमा को कुछ भी नहीं बताना, ठीक है? अरे बाबा मैं पागल हूँ क्या सीमा को बताऊंगा? सीमा को हम ये अचानक से बताएंगे बाबा, सरप्राइज देंगे, सरप्राइज। हाँ। दोनों मिल कर देंगे। हाँ मैं भी बताऊंगी, अकेले नहीं बताना। सही है बाबा, ये यही तो बात है। हम इस नेक काम को आज ही कर लेते हैं। हाँ बाबा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। अच्छा मैं तुम्हारे साथ एक पिक्चर ले लूं? हाँ बाबा बिल्कुल ले लो सेल्फी। एक काम करते हैं, काम से पहले वाली सेल्फी और फिर बाद वाली सेल्फी, ठीक है? चलो देखो अच्छी आई है। नहीं बाबा ये अच्छी नहीं, एक और। इसका मतलब ये काम आज ही होने जा रहा है। चलो स्माइल, अब बताओ। हाँ बाबा ये ठीक है ना। हाँ? आप भी कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। एक काम करो बाबा, आप ड्राइंग रूम में बैठो, मैं सीमा को बुला कर लाता हूँ। जल्दी से आना। हाँ, ठीक है। सीमा, ओ सीमा। जानी मैंने क्या कमी छोड़ी थी? कमी तो कोई नहीं छोड़ी थी, अलबत्ता ज्यादती जरूर कर दी। अब क्या होगा? अब क्या होगा, निकाह होगा और लिफाफे में कार्ड आएगा, आपने अच्छे से तैयार होके शोहर के दूसरे निकाह में जाना है। तुम होश में तो हो? अरे बाबा हेलो, आई एम बच्चू। अरे बाबा क्या हो गया इसको, मैं इतनी मुश्किल से अंग्रेजी सीख कर आया हूँ और ये इतना बुरा सा मुंह बना रही है। अच्छा बेगम एक बात सुनिए, आपने थोड़ी देर के लिए ना ड्राइंग रूम में आना है बाबा, हमने आपको एक राज की बात बतानी। कैसा राज? अरे बाबा वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे शर्म आती है। बाबा वो मैडम राजी है ना, वो आपको बताएंगी। और हाँ बेगम जरा दिमागी तौर पे ना तैयार होकर आना है, हो सकता है आपको बात सुन के झटका लगे। ठीक है आ जाए आ जाए। अब रह ही क्या गया है, बस शाबाश जल्दी से तैयार हो जाए, अच्छी सी शबाली बनके और शोहर की शादी में खूब नाचेगा। नहीं तुमने मुझे समझ के रखा है जानी, इन दोनों को मैंने ना नचाया ना तो मेरा नाम भी सीमा नहीं, तुम देखना बस। अरे एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया भाई, उस दिन मैं बस जी और कुछ नहीं सुनना। तुम चलो मेरे साथ, इस चुड़ैल का तो मैं काम अभी तमाम करती हूँ। चलो चलो आ जाओ, सर्टिफिकेट ऊपर करो और फिर पिक्चर में। क्या आ रहा है ये सब कुछ? अरे बहुत अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे तो आना ही था सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए। जाहिर है इतनी बड़ी खुशी की खबर है। हाँ अपने दिल पे हाथ रख के फिर देखिएगा। ये मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम दोनों की हरकतें अच्छी तरह से। अरे ये क्या किया तुम बच्चू, दो लफ्ज इंग्लिश
इंग्लिश का क्या बोलना सीख लिए, अपने औकात ही भूल गए, इससे शादी करने चले थे। और तुम जहाँ अमीर मर्द देखा उसको फंसाने लगी, इससे शादी करोगी तुम? अरे बाबा व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रही हो, क्या बकवास कर रही हो, और ये क्या किया है बाबा? मैं क्या कह रही हूँ और क्या किया मैंने? मेरे अरमानों का जनाजा शादी का कार्ड छुपा के मुझे ही दे रहे हो। शादी, शादी कार्ड? सीमा ये रिजल्ट था, ये इंग्लिश का रिजल्ट था बच्चों का, क्या किया ये तुमने? ये क्या कह रही है तुम? अरे हाँ ना, एक तो वैसे मुझे इतनी कम उम्मीद थी इनसे, एक तो इन्होंने टेस्ट क्लियर किया और बहुत अच्छे नंबर से किया, वो भी सिर्फ आपके लिए, और ये क्या किया है आपने? अब बेगम तुमने मुझ पे शक किया? अच्छा अब तो वो डार्लिंग वाली क्या बात थी? अरे क्या हो गया तुम्हें सीमा, इतना अच्छा रिजल्ट आया था बच्चों का, अगर मैंने फ्लो में बोल दिया दैट यू आर माय डार्लिंग तो इसमें क्या बुराई है? और तुम खुद पढ़ी लिखी हो, तुम कौन सा जाहिल हो, इसमें क्या बुराई है? और जो मैंने गुनाहगार कानों से सुना है, यू आर माय लवली लवली जमा जमा के टिका के बताओ था, वो क्या था? अरे बाबा वो मैंने सीमा के लिए पूछा था, इससे कि मुझे कुछ अंग्रेजी में जुमले सिखा दो ताकि मैं सीमा से प्यार में बात कर सकूं, वो सिखा रही थी बाबा जी। और हाँ वो जानी बता रहा था कि आप लोग गार्डन में। अरे बाबा वो जरीना ने हमारी जिंदगी हराम कर दी थी इस कमरे में बैठना, इसलिए हम इससे बचने के लिए बाहर गार्डन में गए थे। अच्छा और वो जो लैक लैक के सेल्फियां हो रही थी वो क्या था? अरे भाई वो तो मैं अपने स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देते हुए खिंचवा रही थी, इसमें क्या हो गया? लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है सीमा बेगम, आपको हुआ क्या था, आप तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। और ऊपर से ये मेरा इंग्लिश का पहला सर्टिफिकेट वो भी फाड़ दिया। बच्चू ये सब कुछ ना जानी ने बताया था मुझे। मेरा ख्याल है कोई गलत फहमी हो जाती है कभी कभी, हो जाती है। एक काम करें आप लोग बैठे, मैं कुछ ठंडा ठंडा पानी लेके आता हूँ आप लोग। नहीं जानी, मेरा दिमाग तुमने खराब किया था ना, सर्टिफिकेट भी मैंने फाड़ा ना, इसका सर भी अब मैं ही फाड़ूंगी। यही नहीं मिलता तो क्या अदालत में मिलता? अदालत में? अरे बाबा रात में सीमा ने मुझे वकील की धमकी दी है और तुम अदालत की बात कर रहा है, इसका मतलब है हालात अच्छे नहीं है। मेरा नाम रानी है जानी। जानी तुम्हें तो मेरा नाम भी मालूम है। अरे आपको कौन नहीं जानता, अरे बाबा अगर ईमानदारी का कोई चेहरा होता ना तो आपका ही होता। जानी देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये रानी जो है ना ये सही नहीं है। सही कहा आपने, सही नहीं है, बहुत सही है। मैंने कौन सा हलवे में से हिस्सा मांग लिया, कॉफी का बोल रही हूँ। जब मैं साहब जी के लिए कोई काम करती हूँ तो उस दौरान किसी के लिए काम नहीं करती, और ये साहब जी के घर का उसूल है। चाय में चीनी की जगह नमक पड़ गया, हालांकि अपने हाथों से मैंने चीनी डाली। लगता है तुमको मोहब्बत हो गई है, जब मोहब्बत होती है तो लोग इसी तरह गलती करते हैं। आपने बुलाई है रानी को, क्यों बुलाया? अरे बाबा तू ही तो कहती थी कि तुझे जानी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को तो तुम्हारी बेगम भी पसंद नहीं है, भला उसको तो तुमने कहीं नहीं भेजा। नहीं मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए।